सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ जेड के सारे कलर्स के बारे में। मैं प्राइस भी बताऊंगा। 1,29,000 ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट होती है और 1,34,000 रुपीज़ तक जाती है बाइक। अलग अलग कलर के अलग अलग प्राइस है, मतलब अलग अलग वेरिएंट्स के। आज पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो और सारे कलर्स मैं आपको दिखाऊंगा एफ जेड एस के आज। एंड मेरा जो फेवरेट कलर मुझे सबसे अच्छा लगा वो रेड कलर लगा मुझे यार, लिटरली बहुत ही आई कैची लगा। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलर्स इन द एफ जेड एस कैटेगरी। एंड जो लुक आता है ना रेड कलर का, तो पेंट स्कीम का बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही एक पॉप होके आता है कलर। एंड एक तरीके से यार बहुत आई कैची कलर है, तो रेड कलर मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अब सेकेंड कलर की बात करते हैं, विच इज़ दिस ब्लू मैट। ये मैट टेक्सचर में, इसमें आपने देखा होगा MT15 में भी ये वाला कलर आता है मैट ब्लू वाला, तो ये वाला कलर भी काफ़ी बढ़िया है, दूर से भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड पास से भी काफ़ी बढ़िया लगता है। एक मैट कलर में यार डेफिनेटली मैट टेक्सचर में ना यार बहुत मतलब सही रहता है मैट टेक्सचर, ऐसे कोई कलर ख़राब होने की आपको चिंता रहती नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे कलर के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको मैट ग्रे देखने को मिलेगा। मैट ग्रे बढ़िया ही है ना, एक काइंड ऑफ टर्कोइश कलर के साथ यहाँ पर मैच कराया है यामा ने। एफ जेड एस की बात करें, एंड एफ जेड एस जो है एक प्रॉपर कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर के साथ आती है। मैं आपको जो एक बार गाड़ी में हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ, ये रेड कलर में इसकी PDI हो रखी है, ये देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको DRL थोड़ी सी देखने मिलेगी, ये काइंड ऑफ हेलोजन है, एक मिक्सचर है LED और हेलोजन का, तो ये बढ़िया लुक के साथ आता है, सही कॉम्बिनेशन है। जो इंडिकेटर्स आते हैं वो बल्ब आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। LED आते हैं तो थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन LED इंडिकेटर से क्या है बाइक की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाऊं, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। एंड एफ जेड की सबसे बढ़िया बात है कि एफ जेड में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें बाइक में फ्रंट टायर देखने को मिलता है 100x80 सेक्शन का मिलता है, और 282 mm का यहाँ फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। सिंगल चैनल आपको ABS देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है। हेडलाइट और मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में आपको बता दिया। अब इंजन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो इंजन में आपको दिखाऊँ इस बाइक का, तो जो यहाँ पर इंजन में मिलता है 149 cc का मिलता है, पंप आउट करता है 12.2 ब्रेक हॉर्स पावर और 13.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड जो बाइक का माइलेज देखने को मिलता है लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक की, तो इसकी जो कैपेसिटी है 13 लीटर्स की है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, सिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बाइक है। वेट बताऊँ तो इस बाइक का ड्राई वेट है लगभग 137 किलोग्राम्स का, एंड जिसकी सीट हाइट है वो है 790 mm। तो अगर आपकी हाइट लगभग 5 feet 5 inches से ऊंची है तो आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है राइड करने के लिए। डेफिनेटली सिटी के लिए बहुत ही बढ़िया बाइक है, मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बाइक है सिटी के हिसाब से। बढ़िया पावर है, बढ़िया इसका क्वालिटी है, प्राइस तो लिटरली बहुत ही शानदार है। 1.29 lakh रुपीज़ ऑन रोड से स्टार्ट होती है इस बाइक की प्राइस। एंड अगर बात करी जाए इस बाइक के इंजन के बारे में, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एक स्मूथ मोटर है, 5 gear आते हैं इस बाइक के अंदर। एंड अगर बात करें जाए इसके वाइब्रेशंस की, तो थोड़े से वाइब्रेशंस आपको इस बाइक में हायर RPM पे महसूस होंगे। एंड इस बाइक की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो थोड़ी सी बेटर हो सकती है, अगर इसमें जो प्लास्टिक एलिमेंट है अगर इनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कर दी जाए तो एक बहुत बढ़िया बाइक हो जाएगी। अगर क्रोम एलिमेंट के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेगा, ये लुक काफ़ी अच्छा देता है, एयर वेंट्स का लुक देता है यहाँ पर ये। और बाइक दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको ब्लू कोर देख सकते हैं यहाँ पर जो यामा का लिखा रहता है काफ़ी सारी बाइक्स में। जो सीट है सिंगल सीट है, कंफर्टेबल सीट है, बहुत अच्छी स्पेस है राइडर के लिए, पिलियन के लिए बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्पेसिंग की बात करूँ सीट में स्पेसिफिकली, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसकी सीट कम्फर्ट रहता है। अगर यहाँ ग्रैब बार्स की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लुक भी देता है, एक प्रॉपर लुक देता है, और पिलियन को जो है पकड़ने में थोड़ी आसानी रहती है, बैठने में थोड़ा कम्फर्ट फील करता है पिलियन को। एंड यहाँ पर हमें मोनोशॉक देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो मुझे पर्सनली यार एफ जेड जो एस है वो बढ़िया लगती है, सिटी के हिसाब से कम पैसों में एक बहुत ही परफेक्ट बाइक है, तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द एफ जेड एस कलर्स, मैंने थोड़ा बहुत बाइक के बारे में बता दिया आपको। तो भाई आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, नीचे पे ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको तोड़ फोड़ जो करने के बस जाना चाहिए, साथ में पहले के अंदर मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट वीडियो इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ लिखा होगा Throttle_90 में इसका हैंडल है। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी हैप्पी एंड बाय सेफ, बाय।